इतनी थू-थू दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई जितना भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो गई दुनिया में। किसी से 1000 करोड़, किसी से 500 करोड़, किसी से 400 करोड़, किसी से 300 करोड़ ले लिए। इन्होंने बताओ वैक्सीन वाले से भी जनता वसूल किया कि नहीं वसूला? कैसे भाजपा के लोग जो कभी अपने सुगंध के लिए शहर जाना जाता था वो सांसद की करतूतों की वजह से जाना जा रहा है। अगर इन्होंने कन्नौज का विकास रोका है तो कन्नौज की जनता इन्हें लोकसभा में जाने के लिए रोक देगी। कितना लूटा इन्होंने, किसी से 1000 करोड़, किसी से 500 करोड़, किसी से 400 करोड़, किसी से 300 करोड़ ले लिए। बताओ ले लिए कि नहीं ले लिए? और ये बीजेपी वाले लोग वैक्सीन का इंजेक्शन लेके घूम रहे थे, तो लगा लो इंजेक्शन, वैक्सीन लगवा लो। भाई हमने तो नहीं लगवाई, हमने तो नहीं लगवाई। इन्होंने बताओ वैक्सीन वाले से भी जनता वसूल किया कि नहीं वसूला? कैसे भाजपा के लोग हैं बताओ? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पे वसूल रहे पैसा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इन डिपार्टमेंट से वसूल रहे हैं। अभी तक तो हम लोग सोचते थे कि एफओ के माध्यम से पैसा वसूला जाता है, पुलिस के माध्यम से। आपको बताओ वहां से दिल्ली के माध्यम से पैसा वसूल रहे हैं। इतनी थू-थू दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई जितना भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो गई दुनिया में। और जो जोश दिखाई दे रहा है इससे विरोधी लोगों को एहसास हो गया है कि अब उनकी कन्नौज में भाग करने वाली नहीं है। और पिछला 5 साल का कार्यकाल और दिल्ली लखनऊ की सरकार का कार्यकाल भी आपने देख लिया है। दिल्ली के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं लगभग। लेकिन जो बदलाव आना चाहिए था वो बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। जो परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। जैसा कन्नौज समाजवादियों ने बनाया, जैसा समाजवादी लोगों ने कन्नौज को संभाला, जो विकास कन्नौज का समाजवादियों ने किया उससे आगे ये विकास नहीं कर पाए। आज भी चाहे वो सड़कें हों, पुल हों, बिजली का इंतजाम हो, अस्पताल हो या बहुत सारी जो सुविधाएं दी हैं उनका कोई मुकाबला सरकार नहीं कर पा रही। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है कन्नौज में, कन्नौज के विकास को रोका है, जो कभी अपने सुगंध के लिए शहर जाना जाता था वो सांसद की करतूतों की वजह से जाना जा रहा है। जो सुगंध का शहर है, समय समय पर सांसद जी के करतूत, जिसमें कभी पुलिस को ठोकना, कभी थाने में जाकर के अपराधियों को छुड़ा देना और पुलिस तमाशा देखती रही, यही तालिग्राम मुझे याद है जब मैं राष्ट्रपति जी के वोट डालने जा रहा था राष्ट्रपति चुनाव में, उसी के आसपास की घटना है कि तालिग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मिलकर के और कुछ पैसे देकर के दंगा कराने की कोशिश की थी। पुलिस ने उस समय मुस्तैदी से काम किया और उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही जेल जाना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले लोधी समाज को अपमानित किया गया, बोले समाज को तो हम पैसा देके खरीद लेते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सोचिए भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई थी, उस मूर्ति को हटा दिया गया। वीरांगना अवंती बाई लोधी समाज की प्रेरणा
देने वाली, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया संघर्षों में, उनकी प्रतिमा लग गई थी उसको प्रतिमा को हटवा दिया। ये केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष को, किसी भगवान को ये सम्मान नहीं दे सकते। और कन्नौज का विकास इन्होंने रोक दिया है। अगर इन्होंने कन्नौज का विकास रोका है तो कन्नौज की जनता इन्हें लोकसभा में जाने के लिए रोक देगी।